हम आपका आज वैंकूवर टीवी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और आज का विषय जो हम लेकर आए हैं बहुत सीरियस विषय है, वो उस विषय से संबंधित है जो विषय भारत की में तकरीबन 4-5 हजार से चलता आ रहा है, वो है इंडिया में कास्ट सिस्टम का, जो एक सामाजिक डिजीज भी कहा जाता है। और इस विषय को पे बात करने के लिए हमें खुशी है कि भारत से डॉक्टर कौशल पनवर जी आए हैं। डॉक्टर कौशल पनवर जी एक संस्कृत में इनकी पीएचडी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और अब वैंकूवर में ये जो वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इन्होंने अपना पेपर पढ़े और पैनल में भी पार्टिसिपेट करके इस विषय को आगे लेकर आए। हमें बहुत फख्र है कि डॉक्टर कौशल पनवर जी जो बीइंग एन एजुकेशनलिस्ट के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जो ऐसे सोशल इश्यूज को हम सब लोगों के सामने लेकर आते हैं और उन पे अच्छा डिबेट करवाते हैं। दोस्तों आओ अब हम डॉक्टर कौशल जी से आपको मिलवाते हैं। डॉक्टर कौशल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए कुछ टाइम निकाला और इस सीरियस सब्जेक्ट में बातचीत करने का हमें मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया कौशल जी। अब आपके बारे में मैं हमारे ऑडियंस के लिए जानकारी देना चाहता हूं, तो आप पहले बताएं कि आपने संस्कृत वो जो सब्जेक्ट है वो क्यों चुना, कैसे चुना? तो जब आप इस फील्ड में आ रही थी तो आपको कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा? देखिए ये जो बात आपने शुरू की ये बात लगभग हर एक चैनल में सत्यमेव जयते में भी आ चुकी है और कई जगह पे मैंने कहा है। मैं संक्षेप में सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि जब हमारे यहाँ हरियाणा में एजुकेशन में जब छठी क्लास से नेक्स्ट क्लास में जब जाते हैं तो इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में हम कुछ सब्जेक्ट चुनते हैं, जैसे म्यूजिक हुआ, होम साइंस हुआ, ड्राइंग हुआ, उसमें एक संस्कृत भी होता है। तो जब हमारे यहाँ क्योंकि मेरी जो बैकग्राउंड है जैसे कि आप जानते हैं आपने बताया भी है, हम लोग मेरे घर में पूरे परिवार में एक पढ़ा लिखा कोई था नहीं, कोई सब्जेक्ट कैसे चुनना है या किसी स्टूडेंट के लिए कौन सी लाइन आगे ज़्यादा अच्छी रहेगी ये हम तय करने वाले नहीं होते, क्योंकि घर में ऐसा माहौल था ही नहीं, ना सिर्फ घर परिवार में बल्कि समाज में भी। क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ वो हरियाणा का एक छोटा सा गाँव है, हरियाणा में कैथल जिले में राजौंद गाँव एक छोटा सा गाँव है, वहां पर लगभग पूरी आबादी दलित बहुजन समाज की आबादी, खासकर मेरे समुदाय की आबादी अशिक्षित है, तो वहां स्कूल का मुंह देखना ही अपने आप में एक बड़ा मतलब चैलेंज होता है। तो ऐसे में मुझे स्कूल में मैं पढ़ने के लिए गई। जब हमारे यहाँ जब इलेक्टिव सब्जेक्ट की चुनने की बात आई तो क्योंकि उस वक्त की समझ जो होती है बच्चे में नहीं पता होता कि कौन सा विषय उसके लिए सही रहेगा, कौन सा विषय नहीं होगा, या फिर परिवार बताता होता है, माँ बाप बताते होते। मैंने बताया कि हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ माहौल था ही नहीं, तो मेरे ऐसी मेरी जो सहेलियां थी उन्होंने संस्कृत में नाम लिखवाया, मैंने भी उनके साथ साथ लिखवा दिया। तो ऐसा कुछ था उस सब्जेक्ट में, मुझे नहीं पता था तब तक। लेकिन जब मैं क्लास में गई, हमारे जो संस्कृत के टीचर थे उसने कहा कि तुम संस्कृत पढ़ के क्या करोगे, तुम्हें तो दूसरों के घरों में कूड़ा ही उठाना है और तुम बैठो चुपचाप, मैं घर पे जाके बात करूंगा। तो अगले दिन फिर मेरे फादर से भी उनकी मुलाकात हुई गाँव में, क्योंकि गाँव के ही टीचर होते थे, गाँव के ही विद्यार्थी होते थे, तो जितने भी अध्यापक थे तो उनका सबका मतलब बाई नेम और बाई कास्ट दोनों तरह से वो लोग जानते थे। तो मेरे फादर के पास जब वो गए, जिनको हम चाचा बोलते हैं, तो चाचा के पास गए, मेरे चाचा को उन्होंने समझाया अपनी भाषा में जो भी कहा होगा समझाया, उसके बाद मेरे चाचा ने कुछ नहीं कहा। तो मैं जब घर पहुंची तो मेरे चाचा ने बताया कि तुम्हारे मास्टर जी आए थे और वो ये बोल रहे थे कि संस्कृत तुम क्या करोगे करके। तो मैंने कहा नहीं मुझे तो पढ़नी है, क्योंकि मेरा स्वभाव शुरू से जिद्दी किस्म का भी रहा है, जो चीज मुझे मना कर दी जाती है, हालांकि सबका रहा होगा शायद, जो चीज मना कर दी जाती है वो मैं जरूर करती हूँ, जो चीज ये कहा जाए कि तुम्हें ये करना है वो शायद मैं ना करूं, ये शुरू से बाय नेचर रहा है। तो जब हम लोग मैंने कहा नहीं मुझे तो वही करनी है, तो मेरे चाचा के साथ मेरा बहुत अच्छा एक अलग तरह का रिलेशन रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है जो तुम्हें ठीक लगे वो कर लेना। अगले दिन मैं स्कूल में गई, फिर मैं बच्चों के साथ बैठी हुई थी, संस्कृत वाले ग्रुप्स में थे, तो संस्कृत के टीचर थे, उन्होंने आते ही एकदम कहा कि तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो, मैंने बात करी थी ना तुम्हें, कल कहा था ना तुम्हें नहीं पढ़ना संस्कृत।
उन्होंने बहुत खराब लहजे से बात की. मैं बेसिकली याद आता है तो मुझे अभी भी मतलब एकदम अजीब सी तरह का खून खोलता है. उस वक्त के जमाने की बात कर रही हूँ मैं. तो मैंने मैंने कहा नहीं मुझे तो पढ़नी है क्योंकि सारे इसी में पढ़ रहे हैं. तो उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से एक थप्पड़ मारा खींच के. तो मैंने उसको अंदर ही अंदर बहुत गालियाँ दी. अंदर ही अंदर दे सकते थे, इससे बाहर तो मेरी औकात थी भी नहीं. तो मैंने लेकिन उस वक्त ये जरूर कहा कि अपने मतलब मैंने ठाना ये कि पढ़ना तो मुझे संस्कृत में ही है. मास्टर जी को भी बोल दिया था मैंने, तब उसी वजह से तो मेरी पिटाई हुई. तो मैंने ये कहा कि जब जितना आप पढ़े होंगे, मैंने डिसाइड किया अंदर ही अंदर कि जितना आप पढ़े होंगे आपसे ज्यादा मुझे संस्कृत पढ़ना है. खैर वहां से सफर शुरू हुआ. तो उसके बाद मैंने 12वीं करी, बीए किया, एमए किया, एमफिल किया, देन पीएचडी की. तो मैंने संस्कृत को ही चुना. हाँ लेकिन इतना जरूर है कि उस वक्त का जो एक जो बचपन का जो एक अनुभव था और बाद के जो जो संस्कृत के जो ग्रंथ हैं हमारे उनका जब मैंने अध्ययन किया तो दोनों में एक मतलब बहुत सारी चीजें थी जो मुझे समझ आई कि मास्टर जी ने मुझे संस्कृत पढ़ने के लिए मना क्यों किया. क्योंकि एक बिल्कुल एक गुरुकुल परंपरा सिस्टम जो बना हुआ था कि शेड्यूल कास्ट का या फिर शूद्र को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, वो लगभग उसी का पालन कर रहे थे. ये जैसे जैसे मैं ग्रंथ पढ़ते गई मुझे महसूस हुआ. खैर एनीवे, लेकिन मैं सैल्यूट करती हूँ उस टीचर को कि अगर वो अनुभव उन्होंने मुझे ना दिया होता तो शायद मेरा संस्कृत ऐसा फील्ड ना बनता. लेकिन ये मैं जरूर बताना चाहूंगी कि मैंने कभी इसको बदले की भावना से नहीं पढ़ा, एक रिसर्च स्कॉलर के माध्यम से पढ़ा. और यही वजह रही कि मेरा इसमें मेरा अपना इंटरेस्ट बढ़ता गया. मैंने जब पीएचडी का विषय लिया तब भी मैंने शेड्यूल कास्ट को शूद्र को पढ़ा, शूद्र पे ही मेरा थीसिस लिखा. एमफिल भी मैंने इसी पे लिखा और उसके बाद मेरी 5-6 किताबें भी इसी पे आई हैं. मेरा अभी जैसे कि आपने बताया कि वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस में यहाँ की नोट स्पीकर के रूम में मैं यहाँ बोलने के लिए आई हुई थी. 10 तारीख को हमने इसके ऊपर अच्छी खासी बहस की, कास्ट एंड जेंडर इन संस्कृत स्टडीज. आज भी मेरा पेपर था जिसका सब्जेक्ट भी वही लगभग था, राइट ऑफ शूद्रज टू एक्वायर ब्रह्म विद्या. तो मैं बस इतना ही कहना चाहती थी कि जो पूरा एक संस्कृत की जो मेरी यात्रा रही है उसमें बहुत सारे अप एंड डाउन हुए. उसमें फॉर्मेशन भी बदली कास्ट की या डिस्क्रिमिनेशन की फॉर्मेशन भी बदली. लेकिन सुखद ये रहा है कि मैंने अपने विद्यार्थियों को भी हमेशा कभी भी किसी नजर से मतलब देखने मतलब एक रिवेंज के रूप में देखने की कोशिश नहीं की. मेरे विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह ये जानते हैं कि मैं उनको कैसे पढ़ाती हूँ. हालांकि मैं उन्हीं धर्मशास्त्रों को पढ़ाती हूँ, उन्हीं स्मृति को पढ़ाती हूँ जिसमें इतना मतलब एक मनुष्य से मनुष्यता की पहचान छीन ली जाती है. मतलब वो पढ़ाते हुए भी एकदम मतलब बहुत कुछ महसूस होता है. मतलब ऐसा लगता है कि ऐसी कौन सी व्यवस्था थी या ऐसी कौन सी आफत आई हुई थी कि अगर अगर कभी किसी ने कोई कल्पना भी की समाज की व्यवस्था को बनाने के लिए तो यही कल्पना क्यों की गई. इसके अलावा कुछ और भी हो सकता था लेकिन क्योंकि पूरा एक सिस्टम डेवलपमेंट हुआ मतलब वैदिक स्टडी से लेके बाद के ग्रंथों तक पूरा वर्णवादी व्यवस्था हुई, फिर उस वो कास्ट सिस्टम तक पहुंची और न सिर्फ जाति व्यवस्था, जातियों के अंदर का जो जातिवाद है वो भी संस्कृताइजेशन के माध्यम से समाज में आज भी उतने ही रूप में व्याप्त है. कौशल जी जब आप बात कर रहे थे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपकी सेल्फ डिटरमिनेशन थी इंस्पायर्ड ऑफ बीइंग अ यंग फीमेल चाइल्ड. आपको जो चैलेंज आपको स्कूल में मिला आपने उस चैलेंज को सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं किया लेकिन ह्यूमनिस्टिक तौर पे उस पे रिसर्च की. तो जब आप बात कर रही थी तो मुझे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में भी माइंड में फिल्म चल रही थी कि जैसे आपको मैं कहूंगा कि एंट्री डिनाई की गई थी क्लास में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को भी मना पढ़ने के लिए मना कर दिया. तो फिर उन्होंने जर्मन में जब गए उन्होंने फिर संस्कृत में स्टडी की और शास्त्रों की उन्होंने सेल्फ स्टडी की. सेल्फ स्टडी हाँ बिल्कुल, फारसी उन्होंने पढ़ा. बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अब सिर्फ दलितों के ही लीडर नहीं माने जाते, सिर्फ भारत के ही लीडर नहीं माने जाते और काफी लोग इस बात पर भी आ गए हैं कि वो एक ग्लोबल सिटीजन है. बिल्कुल, सिंबल ऑफ नॉलेज उनको जिसको कह रहे हैं. तो आपको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से इंस्पायरेशन मिली तो कैसे वो मिली, आप उस इंस्पायरेशन को कैसे यूटिलाइज करते हो? देखिए मैं हमेशा खासकर जब सामाजिक एक्टिविस्ट के रूप में जाती हूँ बोलने के लिए बाहर, एकेडमिक फील्ड तो मेरा है ही लेकिन अदर देन जितना भी मैं पे बैक टू सोसाइटी कर सकती हूँ. बाबा साहब ने जो कहा था कि हमें अपनी सोसाइटी को पे बैक करना है. जितना भी मैं बाहर जाती हूँ तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ
व्यक्तिगत रूप से भी और सबको संबोधित करते हुए भी कि मुझे मैंने सिर्फ सपने ही नहीं देखे बल्कि उन सपनों को पूरा करने का हौसला भी मैंने पाया है। मेरा सपना था कि मुझे पीएचडी करनी है, मेरा सपना सिर्फ मेरा नहीं था बल्कि चाचा का था, जिनको मैं मतलब मेरे फादर का जिनको हम चाचा कहते थे, उनको उन्होंने एक सपना देखा था मेरे लिए कि मैं एक ऐसी इतनी ऊंची डिग्री हासिल करूं जो कभी किसी ने ना की हो, मतलब मेरी कम्युनिटी में कभी किसी ने ना की हो। हालांकि उनको ये नहीं पता था कि वो हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, लेकिन बचपन से लेकर पूरा बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, उन्होंने इतना मतलब ये चीज मेरे अंदर इतना कूट कूट के भरी हुई थी कि चाहे मुझे कुछ भी काम करना पड़े, छोटा काम करना पड़े, बड़ा काम करना पड़े, मतलब वो हमेशा यही बात कहा करते थे कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर पढ़ने के लिए मुझे किसी के घर में झाड़ू भी लगाना पड़े तो मैंने लगाया, मतलब ये मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मुझे ये काम नहीं करना। मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी तब मैं मेरे कॉलेज के रोड पे काम करती थी, जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में तो मैं झुग्गी झोपड़ी में रहती थी, पूरा मतलब एक अलग तरह का, न सिर्फ दलित होने के नाते बल्कि एक शेड्यूल कास्ट दलित होने के नाते भी, मतलब एक दलित लड़की होने के नाते भी एक अलग तरह का एक डिस्क्रिमिनेशन होता था। लेकिन जो एक बाबा साहब ने जो कहा था कि हमें शिक्षा शेरनी का दूध है, जब हम पिएंगे तो दहाड़ेंगे, ये बात और जो मेरे चाचा का कहा हुआ शब्द था, दोनों को मैंने बहुत अच्छी तरह से आत्मसात किया। मतलब मैंने कहा ना कि मैंने सपने ही नहीं देखे, उनको पूरा करने का हौसला भी रखा। उस हौसले के लिए मैंने जितने भी मेरे सामने ऑब्स्टेकल आए, मतलब मैंने उनको पार करते हुए आगे बढ़ते गई। ऐसे भी दिन थे जहां हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, ऐसे भी दिन थे जहां मैं जिस हॉस्टल के ठीक पीछे रहती थी वहां लड़के सीटियां बजाते थे, बद्धे बद्धे इशारे करते थे, क्योंकि मुझे जहां मेरी झुग्गी झोपड़ी थी बॉयज हॉस्टल को क्रॉस करके, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कैंपस को क्रॉस करके मुझे जाना होता था, और क्योंकि मैं वहां से निकल के आती थी तो सबको पता भी था कि मैं एमए कर रही हूँ। आप सोच के देखिए ना, ये कोई इतनी बड़ी, मैं पिछली सदी की बात नहीं कर रही, इसी सदी की बात कर रही हूँ, और ये 90 के दशक की बात है, 90s के। उस समय में भी जब मैं वहां जाती थी तो सबको पता था कि आई बिलोंग टू भंगी कम्युनिटी, आई बिलोंग टू वाल्मीकि कम्युनिटी, क्योंकि वो भंगियों की ही बस्ती थी। मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं थी कि मैं क्या हूँ, मतलब अपने आप ही स्वतः ये था कि मैं किस कम्युनिटी से, क्योंकि मैं वहां रहती थी। तो वहां से जब निकलती थी बहुत सारी चीजें सहन करनी होती थी, यहां तक कि इवन कई बार ये लगता होता था कि मतलब जैसे मैं हार गई हूँ। लेकिन एक शुरू से ही, मतलब जब भी मैं थोड़ा सा पीछे कदम रखने की कोशिश करती, मुझे हमेशा मेरे चाचा का चेहरा याद रहता, जो बिल्कुल इतनी मेहनत करते थे छोटी छोटी मतलब मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए। हालांकि मैंने अपनी जरूरतों को बहुत सीमित रखा है। मैं आपको बता दूं कि आपको हैरानी होगी जानकर, जब मैं ग्रेजुएशन में थी तब फाइनल ईयर में जाके मैंने क्रीम लगाने शुरू की थी चेहरे पर, वो भी मैंने नहीं, मेरे एक हमारे एक दोस्त थे गांव के ही, उनकी दुकान थी, उन्होंने मुझे चोरी से दुकान में से चोरी करके क्रीम दी थी लगाने के लिए। मैंने बल्कि उसको उनको ये भी कहा था उस वक्त कि आप मुझे क्रीम लगाने के लिए दे रही हो, जब ये खत्म होगी तो मैं लूंगी कहां से, आपको पता उसकी वैल्यू कितनी थी। फेयर एंड लवली क्रीम हम लगाते थे, 18 रुपए की आती थी। आप सोच के देखिए, मेरे पास 18 रुपए नहीं थे, और अब जो जरूरतें होती हैं एक फीमेल की, उनकी जरूरतों को मतलब वो जरूरतों को पूरा करने के लिए हम बिल्कुल एकदम ट्रेडिशनल चीजों को इस्तेमाल करते थे, जिसमें इन्फेक्शन होता था, बहुत सारी बीमारियां होती थी, कई दिन निकल जाते थे, मुझे पता था कि इससे इन्फेक्शन होता है, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं था। बावजूद इसके मतलब मुझे हमेशा मेरे चाचा का चेहरा याद रहता था कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे वो ऐसी जिंदगी देना चाहते थे जो मेरी कम्युनिटी नहीं जी पा रही थी। दूसरों के घरों में काम करना, दूसरों के घर में गंद उठाना, ऐसी मतलब ऐसी अनुभूति जो आज भी, आपको पता है, अगर मेरे सामने दाल रख दी जाए, आपको याद होगा हम पिछले दिनों दाल खा रहे थे, मैं दाल नहीं खाई थी, मतलब वो मुझे जैसी मेरे प्लेट के सामने आती है मुझे बहुत कुछ याद आता है, नहीं खाई जाती। तो मैं बस इतना कहना चाह रही थी कि बाबा साहब की जितना स्ट्रगल था, एक तरह से पूरी लाइफ जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल करते हुए बिताती, मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरा स्ट्रगल तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। मैंने जब ज्योतिबा फुले का पढ़ा, सावित्री बाई फुले का पढ़ा, उनका पूरा एक विजन मेरे सामने था, अम्बेडकरी वैचारिकी मेरे सामने थी, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी कि वैचारिकी एकदम नहीं बनी। मैंने बताया ना कि मेरी जो बैकग्राउंड थी वो एक ऐसे माहौल में मैं पढ़ी लिखी हूँ जहाँ बाबा साहब का नाम नहीं था, जहाँ पढ़ाई नहीं थी, जहाँ शिक्षा नहीं थी, जहाँ संसाधन नहीं थे, जहाँ जरूरतों को, छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए, जहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं था, जहाँ हमें खाने के लिए रोटी निगलने के लिए हम पानी में चीनी डाल के वो खाते थे,
वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम एक बहुत बड़ी दुर्लभ एकदम चीज थी। मुझे नहीं पता था कि बाबा साहब कौन है, जैसे लेकिन मैं जैसे जैसे कॉलेज में गई, फिर मैंने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, अदर देन मेरा जो सिलेबस होता था उसके अलावा जो मैंने स्टडी किया उसमें मैंने जैसे जैसे मैं पढ़ती गई बहुत सारी चीजें सामने आई। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब को मैंने नहीं देखा, ये मैंने सत्यमेव जयते में भी कहा था कि मैंने बाबा साहब को नहीं देखा, लेकिन बाबा साहब के रूप में मैंने अपने फादर को देखा। मुझे आज भी याद है जब मैं जब मैं क्लास में पंखे के नीचे बैठी होती थी, मेरे चाचा सड़कों पर काम कर रहे होते थे, तारकोल इतना गरम गरम तारकोल होता था, लू चल रही होती थी, उनके 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 जब मैं घर आती थी तो उनके छींटे लगे होते थे, तो ऐसे फेफड़े निकले होते थे स्किन के ऊपर ना, यहाँ पे जहां तारकोल बहुत गर्म होता था, ऐसी जगह पे काम करते थे जिसकी वजह से उनको टीबी हुई, ये सारी चीजें मैं देख रही थी। देखते देखते मतलब मुझे, आपको क्या लगता है कि कोई भी विद्यार्थी जब ये सोचता होगा कि खुद पंखे के नीचे बैठा है, उसका बाप उसके लिए तारकोल के आगे बैठा है जहां स्किन जल रही है और मैं पंखे के नीचे बैठी हुई हूं, तो ये सारी चीजें को रिलेट होती थी। तो जैसे जैसे मैंने बाबा साहब को पढ़ा, बहुत मतलब ऐसा लगा कि जैसे मेरे बाबा मेरे अपने चाचा हैं, तो उनका संघर्ष मेरे सामने था। जब 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 मैं हारने की मतलब उसमें होती तो कहीं ना कहीं से वो आवाज आती कि मुझे आगे बढ़ना है, और उस आगे बढ़ने में मैंने बहुत सारी चीजों को खोया है, मतलब अपना बचपन, अपना एक तरह से जो एक यंग एज की अपनी जो एक एम्बिशियस होती है, मैं मतलब एक जुनून था कि मुझे कभी कुछ नहीं देखना, बस एक ही चीज मुझे दिखाई देती थी कि मुझे आगे बढ़ना है। उसके मतलब मेरे आसपास का जो सर्कल था पीछे छूटता गया, गांव छोड़ा मैंने, कैथल से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में झुकी झोपड़ियों में रह के सारी चीजें की, फिर उसके बाद मैंने बीएड किया, फिर उसके बाद मैंने एमफिल किया रोहतक यूनिवर्सिटी से, फिर देन आई ज्वाइन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहां से मैंने अपना पीएचडी किया। हाँ, लेकिन इतना जरूर था इस सब पूरे सफर के दौरान ऐसा नहीं था कि जाति व्यवस्था ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, और बाबा साहब ने कहा ना कि जिस भी रास्ते में मुड़े आपको जाति का राक्षस मिलेगा, और एज बीइंग ए वुमन मुझे और ज्यादा ट्रिपल एक तरह से वो होता था, क्योंकि जो 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 होता ना जो शोषण की जो एक लेयर्स में अगर मैं इसको बांटूं, मतलब सबसे पहले स्त्री होने का ही एक अपना संघर्ष है, फिर उसमें दलित स्त्री होने का संघर्ष है, फिर दलितों में भी कौन सा दलित, बिल्कुल ऐसे पायदान पे जहां समाज आज भी अछूत मानता है, अनटचेबिलिटी जहां आज भी कायम है, और न सिर्फ अनटचेबिलिटी बल्कि अनसीन जहां आज भी मतलब उनको देखना भी अशुभ माना जाता है, वो पूरा का पूरा हालात वो सारी चीजें थी। लेकिन मेरे सामने एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट था, बाबा साहब का वॉल्यूम था, मैंने उनको पढ़ना शुरू किया, और उनका बिल्कुल इतना मतलब एक ओशन की तरह उनका उनका लिटरेचर मेरे सामने है। हालांकि मैं दावा नहीं कर सकती कि मैंने बाबा साहब को पढ़ लिया, मैं जाना है, थोड़ा सा जाना है, उसे जानने की बदौलत ये हुई कि मैंने शिक्षा हासिल की, और आज आप देखिए ना, मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, यूएनओ जेनेवा, यूएनओ न्यूयॉर्क, और सभी जगह लगभग मतलब इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, सारी जगह मैंने बोलने के लिए मैं गई आगे, और आज मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में। आपको बता दूं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है मेरी, ये पहली कॉन्फ्रेंस है, इस पहली ही कॉन्फ्रेंस में जहां सारे पेपर मेरे सीनियर, इवन मेरे टीचर्स भी, मेरे फैकल्टी मेंबर्स भी, जहां पेपर प्रेजेंट करने के लिए आए हुए हैं, वहां मैं कीनोट स्पीकर के रूप में आई हुई हूं। मेरे लिए अपने आप में ही गर्वान्वित, डेफिनेटली। और इसका पूरा क्रेडिट किसको जाता है? सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को और मेरे चाचा को, जिसने मुझे उंगली पकड़कर स्कूल तक जाने का रास्ता दिखाया। अगर चाचा नहीं होते तो मैं आज यहां नहीं बैठी होती, मेरे अपने ही साथ की महिलाएं वहीं पे हैं, वहीं मैला उठाने का काम कर रही हैं। आज भले ही आप स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हो, उससे पहले की सरकार ने निर्मल भारत अभियान चलाया, इस सो कॉल्ड जो एक जिस कम्युनिटी की मैं बात कर रही हूँ, मैलवस कंजन की, उसके लिए इतने सारे प्रावधान, इतने सारे प्रोविजन आ रहे हैं, लेकिन आज भी मेन होल में लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता, इतनी सारी चीजें हैं। इसके बावजूद भी मतलब मुझे फख्र है, मतलब मैं अपने आप को एक ये कह सकती हूँ कि मुझे जो मैंने सपना देखा था या जो चाचा ने सपना देखा था, मैंने उसको पूरा किया है। मेरा भाई था इसी दौरान, जिसको हम मुंह भाई कहेंगे, वो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर काम करता था, उसकी इच्छा थी, वो आज इस दुनिया में नहीं है। बेसिकली मैंने कहा ना, इस सफर में मैंने जितना पाया है उससे कई गुना ज्यादा खोया भी है। नहीं, आपकी जो स्टोरी है बड़ी पावरफुल स्टोरी है, आपने जिस सिलसिले से बताया, जिस समस्या से आगे लगे, तो एक मेरा दोस्त है डॉक्टर एस एल बिरदी पंजाब में, हाँ, जो मैंने लिखी है फ्रॉम जीरो टू हीरो,
तो आपकी स्टोरी में भी ऐसा ही लग रहा है कि आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन आज आप ग्लोबल स्टार बनी है, तो आपके 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 विचारों को सब लोग सुनना चाहते हैं। मैं एक जब मैं आपके बारे में स्टडी कर रहा था तो एक रेफरेंस आया था कि जब आप जेएनयू में थे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, तो आपको वहां पर भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। तो जब आपने आवाज उठाई तो यूनिवर्सिटी ने डिनाई किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारे ऑडियंस के लिए आप बता सकते हैं कि वो क्या सिचुएशन थी? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इससे पहले मैं थोड़ा सा दो मिनट आपका और लूंगी। मैं बेसिकली, जब मैंने कहा ना, मैंने एमफिल को रोहतक यूनिवर्सिटी से किया, एमडी यूनिवर्सिटी से, और वहाँ पे मैंने, मतलब जब एमफिल किया तब तक मेरा स्टेटस ऑफ माइंड पूरा, मतलब धर्मशास्त्र में ये बन चुका था कि मुझे इस एरिया में काम करना है। वो बन चुका था मेरा कि मुझे शूद्र और वर्ण व्यवस्था पर ही काम करना है। लेकिन जब मैंने एमफिल अपना, मतलब मैं लिख रही थी, तो मेरा टॉपिक था पंचतंत्र में, पंचतंत्र में राज्य व्यवस्था। तो मैंने अपने गाइड से भी बात की कि मुझे अपना पीएचडी जो करना है वो मुझे शूद्रों पे करना है। तो मेरा गाइड जो थे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी थे, बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। वो जानते थे मेरे डेडिकेशन को कि मेरे लिए डिग्री सिर्फ डिग्री लेना नहीं है, जोरों के लिए होते, मेरा चाचा का सपना है। हाँ बिल्कुल, मुझे डिग्री इसलिए नहीं मैं कर रही थी कि मुझे इससे रोजगार मिलेगा, बल्कि इसलिए मुझे चाचा का सपना पूरा करना था जो उस वक्त नहीं थे। तो एक जुनून था, अलग तरह का जुनून था। मैं जब, मतलब मैंने जब ये बात मेरे गाइड को कही कि मुझे पीएचडी भी करना है, तो उन्होंने कहा कि मेरे अंडर में तो सिटी नहीं है, तो मैं तो पीएचडी आपको नहीं करवा पाऊंगा। लेकिन उन्होंने एक प्रोफेसर का नाम दिया, वहीं, मतलब यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर थे, नाम नहीं मैं लेना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि उनके अंडर में है सीट और आप उनसे बात कर लीजिए। मैंने उनसे बात की, उन्होंने हाँ की। मेरे बहुत सारे दोस्त जानते हैं, जब मैं रोहतक में थी उनको भी पता है, ये सबको पता था कि मैं पीएचडी करने जा रही हूँ। और मेरे गाइड ने भी, वो खुद भी तैयार थे, वो प्रोफेसर खुद भी तैयार थे कि मुझे पीएचडी, मतलब मेरे अंडर में पीएचडी उनके होगी, उनके अंडर में मेरी पीएचडी होगी। लेकिन हाँ, फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करिए, जब आपको शूद्र में काम करना है, धर्मशास्त्र में करना है, तो आप उससे पहले, धर्मशास्त्र से पहले वैदिक संहिताओं में शूद्रों की क्या स्थिति है उस पर अपना एमफिल लिख लो। और आपको मैं बता दूं कि तब तक मैं अपना लगभग डिसर्टेशन लिख चुकी थी और सबमिट करवाने वाली थी, 2 महीने बाद मुझे अपना सबमिट करना था। और ये मेरे लिए बड़ा, मतलब सिर्फ चैलेंज नहीं था, बड़ा मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैं कैसे अपनी डिसर्टेशन को चेंज करके उसको संहिताओं में शूद्रों पर काम करूं। तो लेकिन उसने कहा, मतलब उस प्रोफेसर ने कहा कि देखो, मेरे अंडर में अगर काम करना है तो तुम्हें ये थोड़ा करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा ना कि एक जुनून अलग तरह का था, तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपना डेस्टिनेशन बदल लेती हूँ। मैंने अपने गाइड से बात की, मेरे गाइड ने हालांकि हैरानी तो जताई कि उन्होंने कहा कि कौशल सिर्फ 2.5 महीने हैं, 3 लगा लो, ज्यादा से ज्यादा खींच के 3 महीने होंगे, 3 महीने में तुम अपना डेस्टिनेशन कैसे कम्प्लीट कर पाओगे। मैंने कहा सर मैं बिल्कुल करूंगी, आप निश्चिंत रहिए, मुझे आपको कोई शिकायत की, मतलब कोई शिकायत नहीं मिलेगी मेरे काम की तरफ से। आपको जो अच्छा लगेगा उसमें से आप करिए, मैं टिकट, मतलब ऐसे नहीं टेप के लाऊंगी, बल्कि मैं काम करना चाहती हूँ। वो उनको, मेरे जुनून को जानते थे। उन्होंने फिर भी ये कहा कि मैं फिर भी ये कहना चाह रहा हूँ कि सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कुछ पे करना पड़े। पता नहीं उन्होंने किस आधार पे कहा था, बाद में वो तो मुझे पता लगा फिर। तो मैंने कहा नहीं, मैं कर लूंगी। मैंने अपना पूरा डेस्टिनेशन, मेरे पास आज भी रखा हुआ है, मेरी स्क्रिप्ट आज भी रखी हुई है, मैंने स्क्रिप्ट पूरी डेस्टिनेशन की सिर्फ बाइंड करवानी रहती थी, मैंने उसको साइड में रखा। दिन रात पागलों की तरह लाइब्रेरी में बैठ के, मतलब बिल्कुल परवाह नहीं की अपनी मैरिड लाइफ की, मेरी शादी हो चुकी थी और नई नई शादी हुई थी, मैं पूरा दिन लाइब्रेरी में रहती थी, किताबें, पूरा जुनून के साथ मैंने अपना डेस्टिनेशन संहिताओं में शूद्र लिखा। मैंने कहा ना कि मेरा फील्ड यही है। तो उसके बाद मैंने फिर मेरा थीसिस की तरफ ध्यान गया। सिर्फ 1 दिन पहले, मतलब जैसे अगले दिन मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना था पीएचडी में, 1 दिन पहले मेरे प्रोफेसर ने मना कर दिया। मैंने कहा तुम पीएचडी करके करोगी क्या? मैं सीधा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। और मुझे खुशी है इस बात की कि वो सुन रही हैं आज, और मैं चाहती हूँ बल्कि सुने,
मतलब बिल्कुल, मतलब मैं ये कह चुकी हूँ सीधा, मैं नाम सिर्फ इसलिए नहीं लेना चाह रही क्योंकि एक मोरालिटी है, हम उनकी तरह नहीं हो सकते। हम भले ही कितना भी बराबर में आ जाए लेकिन वो जो कमियां उनकी हैं हम उनकी तरह नहीं बनना चाहते और बनेंगे भी नहीं, ये कम से कम हम विश्वास दिला सकते हैं। उन्होंने सिर्फ एक दिन पहले मुझे मना कर दिया। आपको पता है कि मेरे मतलब पता नहीं किसी को कैसे महसूस होता होगा लेकिन मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई थी जब उन्होंने मना किया, क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरे लिए सिर्फ डिग्री नहीं था, मेरा सपना था। उन्होंने सीधा कहा कि मैं तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन जानती हूँ, तुम किसी स्कूल वकूल में पढ़ाओ, क्या करूंगी पीएचडी करके, पीएचडी बाद में करते रहना, वो पीएचडी का कोई काम तो आता नहीं, तुम्हारे किस काम की है पीएचडी। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरे से उठा ही नहीं गया उनके आगे से। आपको पता है मैं सहारा लेके उठ के बाहर आई और फिर मुझे पता लगा कि एक उसी की अपर कास्ट की महिला थी, वो अपर कास्ट की प्रोफेसर थी, अपर कास्ट की महिला को उसने पीएचडी में रजिस्ट्रेशन किया। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं कहीं भी नहीं जा सकती थी क्योंकि एक ही दिन बचा था, एक दिन में मैं कहां जाती। उसके बाद मैं घर पहुंची, आपको पता है पूरे 2 महीने मैं डिप्रेशन में रही, मतलब मैंने बंद कर दिया था बिल्कुल अपने आप को कमरे में, मतलब सारे मतलब मेरा अपना जो सर्कल था सारे आते थे, मतलब मैं बात ही नहीं करती थी, बिल्कुल एकदम बंद हो गई थी। मेरे हस्बैंड हैरान थे, मुकेश बिल्कुल एकदम उनको शौक थे वो कि क्या करूं, उनको खुद नहीं समझ आ रहा था। मतलब सबने कोशिश की कि मैं इससे बाहर निकलाऊं, मेरे पास कोई साधन ही था बाहर निकलने के लिए, मैं बिल्कुल एकदम बंद हो चुकी थी, सारा सोशल एक्टिविज्म बंद कर दिया था। मतलब एकदम मुझे यूं लगा कि यार हमारी औकात है क्या, मतलब मैं एमफिल तक पहुंच चुकी हूँ, एमफिल सबमिट करने वाली हूँ और इतना सारी चीजें देखते हुए मुझे ये लगा था कि शायद पढ़ते पढ़ते एक लेवल पे पहुंचने के बाद तो जाति व्यवस्था कम दिखाई देगी, लेकिन एक बार फिर इतना गहरा सदमा एकदम मेरे लिए लगा। खैर एनीवे फिर क्या हुआ, हमारे उसी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, उनको पता था कि मैं पीएचडी में काम कर रही हूँ, उनका मेरा एरिया भी पता था। बेसिकली क्या था कि हालांकि वो भी अपर कास्ट ही थे, तो उन्होंने मुझसे एक दिन ऐसे उनको ऐसे मेरे घर पे आए, मैं अंदर ही थी, मैं बाहर नहीं निकल के आई। उन्होंने मुकेश को कहा कि कौशल को बुलाओ एक बार। मैं बाहर आई तो उन्होंने कहा हाँ बताओ क्या हो गया। मैंने कहा सर कुछ नहीं हुआ। उनको पता लग चुका था, मुकेश ने बता दिया था कि ये तो बातें नहीं करती। बेसिकली मैं आपको बता दूं मैं बोलती बहुत हूँ, आपके चैनल पे भी बोल रही हूँ, मुझे बोलने की आदत है, मैं चुप नहीं रहती, बेसिकली सदियों से चुप ही रहते आए हैं। आज भी अगर बोल नहीं पाए तो मुझे लगता है हाँ कब बोलेंगे। तो हालांकि यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता है, जहाँ बोलना चाहिए वहां बोलना चाहिए। खैर एनीवे तो उन्होंने मुझे ये बस एक बात कही कि कौशल मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर एक दरवाजा बंद होता है तो कोई ना कोई दरवाजा खुला होता है, बशर्त है आप उसको खोलने की कोशिश करें। मैंने एकदम बस उसी दिन बोली थी मैं, 2-3 महीने बाद मैंने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया। मैं कहा सर मैंने मेरे लिए तो हमेशा ही दरवाजे बंद रहे हैं, चाहे स्कूल की एजुकेशन को लेके हो, कॉलेज का हो, मतलब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में झुग्गी झोपड़ियों में रह के, मतलब इतनी जलालत सहन करके, जहाँ टॉयलेट नहीं था, जहाँ पानी नहीं था, जहाँ अपने पर्सनल कपड़े नहीं होते थे मेरे पास, इतनी सारी चीजें, तो दरवाजा खोलते खोलते मैं थक चुकी हूँ, मेरे बस का है ही नहीं अब मैं कहाँ जाऊँ। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कहा मतलब मेरा सिर लुहान हो चुका है, अब मैं नहीं दरवाजा खोल सकती, ये दरवाजा चीन की दीवार जैसा है, नहीं खुलेगा। उन्होंने कहा नहीं जरूर खुलेगा और मुझे विश्वास है कि तुम उसको खोलोगी, वो कह के चले गए। उसके बाद मैं पूरी रात सोचती रही, मतलब अगले दिन जब मैं उठी ना मैं फ्रेश थी, मैं एकदम मतलब वही कौशल दोबारा मिल चुकी थी मुकेश को भी और सबको भी। मैं खूब हमने बात बात की यार वो, फिर मैंने जेएनयू में अप्लाई किया, हमारे एक प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि तुम्हें जेएनयू में अप्लाई करना चाहिए। हालांकि मुझे हैरानी तो हुई, मैं कहा यार स्टेट यूनिवर्सिटी ने मुझे डिनाई कर दिया एडमिशन ले लेके, जेएनयू में कैसे होगा और वो भी जनरल में फाइट करना मेरे लिए बड़ा, हालांकि मैंने चैलेंज की तरह लिया हमेशा हर चीज को, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर वो था ना जो बिल्कुल, मतलब देखिए ना 2 महीने पहले तो मेरे से छीन लिया गया रजिस्ट्रेशन का अधिकार पीएचडी में होने का। खैर एनीवे मैंने पीएचडी में एडमिशन अप्लाई किया, पीएचडी मैंने ज्वाइन किया, लेकिन पीएचडी करते हुए जेएनयू के बारे में बहुत कुछ मेरे दिमाग में था। एक ऐसी इमेजिनेशन थी कि यहाँ प्रोग्रेसिव लोग रहते हैं, वामपंथी लोग रहते हैं, यूनिवर्सिटी एक बड़ा मतलब जाति व्यवस्था से वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठी होगी। नो डाउट मेरे विभाग में मेरे अध्यापकों के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, मैं नहीं भूल सकती मेरे गाइड का जो कंट्रीब्यूशन मेरे को था, बहुत कंट्रीब्यूशन रहा, फाइनेंशियल भी उन्होंने मेरी मदद की। डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ला जी मेरे गाइड थे, प्रोफेसर हरिराम मिश्रा जी मेरे टीचर रहे हैं, कृष्णा झा जी मेरे टीचर रहे हैं, सारे अपर कास्ट टीचर थे, कोई भी एक भी दलित नहीं था, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया मुझसे। हाँ स्टूडेंट ने मेरे साथ उतना ही भेदभाव किया, मतलब सीधा ये कहा गया था कि जिस बेंच पे मैं बैठती हूँ उस पे कोई इसलिए नहीं बैठता क्योंकि तुम भंगी हो,
एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा गया था। ऐसे जिस हॉस्टल में मैं रहती थी जेएनयू में, मतलब मेरी जो हॉस्टल मेट थी वो अप्रकाश थी, उसने एक भी ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी थी जिसे मैं इस यूनिवर्सिटी को छोड़ के चली जाऊँ। बहुत मतलब मैं बहुत रोई थी उस दिन। मैंने फिर मैंने मतलब बिल्कुल एकदम एकदम ये लगा था कि यार ये सपना जैसी एक एक कल्पना करके मैं आई थी जेएनयू में, वो तो है ही नहीं। एकदम वही कास्टिज्म, वही एक दूसरे के प्रति घृणा, मतलब जो हम लोगों से जो घृणा आम जो गांव में करते हैं, गांव देहात के लोग जो मतलब ऐसे करते होते थे। मेरे मैं जब छोटी थी दुकान पे अगर जाती थी तो मैं आराम से मस्ती मारते हुए तो जाती थी। एक हमारी कुम्हार जाति से एक महिला थी, बहुत मतलब बड़ा अछूत मानती थी वो, उनको एकदम ऐसे मैं मस्ती मारते हुए जा रही थी, उनको टच हुआ तो उन्होंने एक मारा मेरे को थप्पड़, रहट पीछे मेरे को भेंट दिया, मेरे को अब नहाना पड़ेगा। मुझे वही याद आ रहा था जेएनयू के, वो तब की बात है जब मैं बिल्कुल छोटी सी थी, दूसरी तीसरी क्लास में थी, मुझे पता भी नहीं था कि लोग यूं क्यों करते हैं। लेकिन उसके बाद जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में आने के बाद मेरी हॉस्टल मेट मतलब ऐसी सुपरस्टिशियस चीज मेरे लिए लेके आ रही कि मैं पागल हो जाऊं, मैं यहां से चली जाऊं। इतनी कोशिश की उन्होंने, वार्डन ने ऐसा रोल प्ले किया। मैंने जब शिकायत की इसकी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वार्डन ने कहा कि कोई बात नहीं तुम रूम चेंज कर लो। मुझे बड़ा गुस्सा आया इस बात को सुनकर, मैं क्यों रूम चेंज कर लूँ, वो करे ना, कर तो वो रही है, उल्टा आप बड़ा बीच का सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो मतलब ये सारी चीजें थी, इतना मतलब भयानक किस्म का कास्टिज्म जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में भी लगा। और मेरे लिए एक एक बड़ा एक आंख खोलने वाला ये था कि जिस जिस वामपंथ के गढ़ को हम इतना बड़ा मानते हैं, और इवन वो जो लड़की थी वो भी बड़ी प्रोग्रेसिव थी, कहने के लिए वो जापान जैसी कंट्री में विजिट कर चुकी थी और बड़ी धर्म कर्म परमात्मा मानने वाली थी, बड़ी आस्थावान थी, सुबह शाम राम का नाम जपती थी। वो अलग बात है कि वो जो उसका पूरा कार्यकलाप था, मैं जब आंखों से उसको देखती थी वो भी विपरीत होता था, एकदम अलग होता था। मैं एकदम वो मॉडर्न होती थी, एकदम इतनी ट्रेडिशनल होती थी, सुबह सुबह श्लोक उच्चारण करना शुरू कर देती थी। खैर नहीं, वो उसका आस्था का सवाल था, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे मैंने कभी उसको किसी तरह के, लेकिन वो मुझे हर तरह से टॉर्चर करती थी। अगर मैं पढ़ना शुरू कर देती थी वो लाइट बंद करवा देती थी, अगर मैं जरा सा भी मतलब आवाज़ करती तो वो कहती थी कि मेरा नींद डिस्टर्ब हो रही है, कहती थी तुम झाड़ू लगाओ, रूम साफ करो मेरा, अब हम दोनों का है तो तुम करोगी। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में इस तरह का। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि जेएनयू ने मुझे इतना परिपक्व बनाया है कि आज मैं वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस में हूँ। अगर मैं रोहतक में रही होती, वही अगर वो दरवाजा मैंने जेएनयू वाला ना खुला होता तो मैं यहां तक नहीं होती, मैं बस स्टेट यूनिवर्सिटी में एक आम स्टूडेंट रह जाती, ज्यादा ज्यादा टीचर बन जाती। लेकिन जेएनयू में मैं जैसे ही पहुंची हूँ, यहाँ का जो एक डिस्कशन का जो एक जो सीखने के लिए बहुत कुछ था और सीखने की मेरे अंदर भूख थी, क्योंकि मैंने मेरी सोसाइटी मुझे प्रैक्टिकल अनुभव सिखा रही थी कि समाज में हम लोगों का स्थान क्या है। लेकिन जो 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 एजुकेशन थी वो मुझे ये सिखा रही थी कि रीजन इसके पीछे क्या है। मतलब मैं दोनों में बड़ा मतलब पैरेलल मेरे दिमाग में चलता था। मैंने कहा ना कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर के वाङ्मय को पढ़ती थी, सावित्री बाई फुले पढ़ के, गौतम बुद्ध को पूरा मैंने पढ़ने की कोशिश की, पाली मैं थोड़ा थोड़ा बहुत जानती थी, थोड़ा बहुत आती है मुझे, अब नहीं आती बिल्कुल, उस वक्त एक जुनून था तब आती थी, फिर छूट गया, संस्कृत में आई पूरी तरह से। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक पूरा एक जो एक जो एक बना हुआ था वो मैंने जैसे जैसे उसको देखा, फिर समाज में जो घट रहा था, मैंने कहा ना कि आई एम नॉट ओनली ए रिसर्च स्कॉलर, आई एम ए सोशल एक्टिविस्ट आल्सो। तो जब मैं समाज में जाती थी तो मैं फिर कोशिश करती थी कि मेरा समाज इसमें अवेयर हो, और फिर वही जब हम किताबों में देखते थे कि किताबों में ग्रंथों में कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन समाज में है, और जो वहां दिए गए हैं प्रावधान वो कहीं ना कहीं यहाँ भी पूरे के पूरे उसी तरह से लागू होते हैं। आप देखिए ना कि जब एक छोटी छोटी चीजों के ऊपर किसी भी इंसान को उसको हक नहीं दिया जाता। आप देखिए ना अभी हमारे यहाँ जो सावन के महीने में जो कावड़ लेके जाते हैं मेरे गांव में और कई आसपास के गांव में, वो जो जल चढ़ाते हैं उसको जल नहीं चढ़ाने दिया जाता। मतलब एक तरफ वो मतलब पूरा मतलब एक तरह से ये दिखाते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर उनके आइडल हैं और सारी चीजें हैं, लेकिन उनकी जो विचार की है उसको वो नहीं दिखाना चाहते। ये एक एक अलग तरह का एक डिस्कोर्स चल रहा है आजकल इंडिया में ना। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ सिर्फ कि एक पूरी जो यात्रा थी, पूरा एक जो बना था जेएनयू तक पहुंचने का, तो जेएनयू ने मुझे दिया बहुत कुछ है। मुझे जेएनयू के विद्यार्थी होने के नाते गर्व है।
और मेरे अध्यापकों पर भी, जिनको जिनकी मैं आलोचना भी करती हूँ, खूब आलोचना करती हूँ। अब देखिए ना, 10 तारीख को ही मैं बोल रही थी जब कास्ट एंड जेंडर इन संस्कृत स्टडीज, और आज भी मैंने राइटर्स सुदृष्ट अखबार ब्रह्म विद्या इस पे अपना बोला, मेरे दोनों टीचर वहां मौजूद थे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जहां मैंने कहा मैंने झुग्गी झोपड़ी में रह के एमए किया, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जहां से मैंने पीएचडी किया, वो दोनों टीचर मेरे आगे थे। मुझे मतलब जहां एक तरह से खुल के बात करने का मौका मिल रहा था, वहां पर मुझे गर्व भी था कि आज मैं अपने अध्यापकों के सामने ये बताने की, पता नहीं शायद उनको गर्व होता है या नहीं होता, लेकिन मुझे जरूर होता है कि मेरे अपने टीचर्स के सामने मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ। मैंने अपने आप को अपने टीचर्स के सामने साबित किया है। मतलब मैं बेसिकली अपने अध्यापकों को भी कहीं ना कहीं ये बताना चाह रही थी कि आपका पढ़ाया हुआ ऐसे जाया नहीं गया। मैं आपके विद्यार्थी आज इतने, देखिए मैं पढ़ा भी रही हूँ ना, जब मेरे विद्यार्थी कोई अचीवमेंट लेके आते हैं तो मुझे गर्व होता है। मैं वही सोचती हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे अध्यापकों को गर्व कितना होता है कितना नहीं होता, लेकिन एज बीइंग ए टीचर, जो मैं आज टीचिंग कर रही हूँ, जब मेरा विद्यार्थी कब कोई चीज मतलब जीत के आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा विद्यार्थी मेरे से ज्यादा है, ऐसे ही मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अध्यापकों को भी मतलब गर्व होता होगा। कौशल जी, आपसे बात करने से मुझे खुशी भी हो रही है कि जो आपने सोचा, जो आपने फादर साहब ने सोचा, जो उनका सपना था वो आपने पूरा किया। मुझे याद है कि मिस्टर बाट के घर पे जो एक प्रोग्राम था तो आपने ये बोला था कि आप सिर्फ सपने ही नहीं लेती है लेकिन सपने पूरे करना भी आपका धर्म है। और सपनों की बात करते हैं तो ये जो आपने समस्या बताई इतनी पुरानी नहीं है, 10-12 साल की होगी। जी बिल्कुल। तो अगर हम समस्या को देखते हैं 3-4 या 5 साल शायद इसकी पुरानी भी हो, तो एक अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम, जो रिजर्वेशन प्रोग्राम बनाया गया था, मेरे ख्याल में वो काफी इफेक्टिव भी रहा है। तो रिजर्वेशन प्रोग्राम काफी देर से अंडर अटैक हो रहा है और उसका अल्टरनेटिव भी कोई नहीं आ रहा है। क्रीमी लेयर्स की बात चल रही है, हो सकता है कि वो लागू भी होगी हो। तो आपकी राय क्या है, फ्यूचर में कौन से सिस्टेमिक रिस्पॉन्सेस की जरूरत है, जो ये जो सिस्टेमिक ये जो समस्या है उसको हम कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं? देखिए, इसमें कोई दोराय नहीं कि रिजर्वेशन से हम एक समान स्तर पे आने की कोशिश में हैं, लेकिन सिर्फ चंद नौकरियों में और एजुकेशन में एडमिशन में लेने से ही सामाजिक न्याय पूरा नहीं हो जाता। हाँ, रिजर्वेशन से जिंदगियां बदली हैं, उसका मैं साक्षात उदाहरण हूं। अगर रिजर्वेशन ना होती तो मैं यहां नहीं होती। मैंने कहा ना कि वो ठीक है कि मुझे जनरल में एडमिशन, जनरल में मैंने फाइट किया था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मेरा पीएचडी में एडमिशन हुआ, लेकिन कितने विद्यार्थी हैं जो जनरल में फाइट होकर आते हैं? इसका मतलब हुआ कि रिजर्वेशन से जिंदगियां बदली हैं, लेकिन रिजर्वेशन से ही सिर्फ सारी चीजें बदल जाएगी, इसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत आती है। हाँ, अपनी बात इस वाली बात को पूरा करने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगी कि जो 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 आज का जो वर्तमान सिनेरियो है वो रिजर्वेशन को भी एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब जहां प्रतिनिधित्व का सवाल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में दिया, संविधान में बराबरी का अधिकार पाने के लिए एक प्रक्रिया के तहत एक प्रतिनिधित्व दिया गया, उस पर भी आज एक अलग तरह की डिबेट शुरू हो चुकी है। पहले ओबीसी का रिजर्वेशन में क्रिमिनल लेयर लागू हुआ और आज के ही पेपर में नव भारत टाइम्स की यह सूचना है कि एससी में क्रिमिनल लेयर लागू होगा। सवाल यहां उठता है कि अगर आपको इस समाज को हिस्सेदारी देने के लिए क्रीमी लेयर का एक सोल्यूशन दिखाई देता है तो मुझे लगता है आप रिजर्वेशन को खत्म करने की प्रक्रिया में हैं। ये मुझे लगता है प्रक्रिया है। अब देखिए ना, अगर आपको ये लगता है कि ठीक है आप क्रीमी लेयर इसलिए लागू करते हैं कि जैसे मान लो ओबीसी का एक ठोस तर्क था कि ओबीसी में कुछ जातियां ऐसी थी जो बहुत स्ट्रांग थी और कुछ जातियां ऐसी थी जो निम्न स्तर पे थी, तो उन्होंने क्या किया कि उसमें क्रिमिनेशन लागू कर दिया। अब एससी पे आते हैं, एससी में तो रिजर्वेशन अभी तक सीट भरा ही नहीं, हालांकि ओबीसी में नहीं भरा गया, ओबीसी का रिजर्वेशन भी अभी फुलफिल नहीं हुआ था, आपने क्रिमिनल लेयर लागू कर दिया। ठीक उसी तरह एससी एसटी का रिजर्वेशन अभी पूरा ही नहीं हुआ, आप उस पर क्रिमिनल लेयर की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि क्रिमिनल लेयर से सोल्यूशन नहीं होगा। क्रिमिनल लेयर, मेरा अपना ये मानना है कि क्रिमिनल लेयर का से तो एक तरह से रिजर्वेशन को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए दो सर्टिफिकेट हैं, एक क्रिमिनल लेयर का एक नॉन क्रिमिनल लेयर का, पोस्ट है आपको नॉन क्रिमिनल लेयर में, आप क्रिमिनल लेयर में कैंडिडेट को मिल रहा है नहीं दे रहे,
नॉन क्रीमी लेयर में आप उसको नहीं, क्रीमी लेयर को नहीं दे रहे, नॉन क्रीमी लेयर को दे रहे हैं। नॉन क्रीमी लेयर में मान लीजिए एससी में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता, तो पोस्ट कहाँ जाएगी फिर? इसका मतलब तो आप उस पोस्ट को खत्म कर देंगे। दूसरी चीज ये, दूसरी सॉरी मैं आपको बीच में टोक रही हूँ क्योंकि बहुत सेंसिटिव सवाल है और आज का ही नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है कि एससी में रिजर्वेशन क्रीमी लेयर लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये चला गया। आज के जो विडंबना है, आज वर्तमान सिनेरियो की जो विडंबना है, सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, अभी पिछले दिनों एट्रोसिटी एक्ट का भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया। दूसरी बात, 5 मार्च को रिजर्वेशन को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए पीछे के दरवाजे से, सीधे रूप से नहीं, क्योंकि सीधे रूप से अगर कहेंगे तो आम आदमी को ये पता होता है कि रिजर्वेशन खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन रिजर्वेशन को खत्म करना बैकडोर एंट्री से, जो जिसके माध्यम से पोस्ट निकलती है, उसको बोलते हैं हम रोस्टर सिस्टम को ही आपने इस तरीके से बना दिया कि आपको रिजर्वेशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, मेरा कहना यह है कि रिजर्वेशन को, ये जो 5 मार्च का जो लेटर आया, रिजर्वेशन को एक तरह से पंगु बनाकर रख दिया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। उससे पहले एट्रोसिटी एक्ट को भी आपने पंगु बना के रखा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। आज की जो नवभारत की रिपोर्ट है वो ये है कि एससी में क्रिमिनल, उनका तर्क ये है कि जो एससी में जो समृद्ध हुई जातियां हैं, प्रोफेसर्स हैं या जो उद्योग वाले हैं या बड़े बड़े इंडस्ट्री, मान लो दलितों में भी हैं, तो उसमें रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि नीचे के तबके को नहीं दिखाई दे, नीचे के तबके को नहीं मिल। अरे भाई एक बात बताइए, आपको इतनी हमदर्दी कहां से पैदा होगी? मतलब अगर आपको इतनी ही हमदर्दी है, एक तो ये कि हमारे ऊपर छोड़ दीजिए ना, ये इसको आप कम से कम पब्लिक डोमेन में तो लेके आइए ना, पब्लिक का व्यू तो लीजिए कि एससी में क्रिमिनल लागू होना भी चाहिए या नहीं चाहिए। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कल को हो सकता है आप डिसीजन आ भी जाए, बिल्कुल एकदम। एट्रोसिटी एक्ट का आया ना हमारे सामने, रोस्ट का आ चुका है, दोनों फैसले तो स्ट्रांग है अभी जस्ट के फिलहाल के। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर उस तबके को सामाजिक न्याय, तो हम भी चाहते हैं ना, देखिए बेसिकली जो 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 जातियों का जो एक वर्गीकरण है, विद इन जाति, विद इन कास्ट जो वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण को हम भी जानते हैं। हम भी चाहते हैं कि अगर मान लीजिए एक ऐसा तबका है, मान क्या लिए है, समाज के अंदर ऐसा तबका भी है जिसको अभी तक रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला, उनका भी तरक्की है, ये हमारा भी तरक्की है, ये उसको हम देंगे, हम क्या मतलब उसको हम प्रावधान कर रहे हैं उसमें, लेकिन ठोस पहले ही सरकार स्टेट गवर्नमेंट कर चुकी है उसमें, ए और बी कैटेगरी में बांट दीजिए, क्रिमिनल की जरूरत ही नहीं है। आप एससी को बिल्कुल एकदम अल्टरनेट, आपने अल्टरनेट की बात की ना, मेरी तरफ से ये अल्टरनेट है और ये इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, ऐसा नहीं है कि कोई मेरा कोई नया ईजाद किया हूं। आप एससी के अंदर क्रिमिनल लागू करने के बजाय, आप रिजर्वेशन को क्रिमिनल के माध्यम से खत्म कर रहे हैं, इसके बजाय आप एससी को ए और बी कैटेगरी में बांट दीजिए। ए में वो कैटेगरी रखिए जो मोस्ट डिप्राइड सेक्शन की, तो आपका मतलब है जो क्रीमी लेयर की रिजर्वेशन को खत्म करने का प्रयास, और भी कोई सोल्यूशन है ना, और पब्लिक डायलॉग, बिल्कुल एक पब्लिक डायलॉग होना चाहिए, आप इसके ऊपर बात करिए। दूसरी चीज, पब्लिक डायलॉग की भी जरूरत नहीं है भाई, अभी रिजर्वेशन पूरा हुआ कहाँ है? आप देखिए ना, रोस्टर के माध्यम से तो आप पहले खत्म कर चुके हैं रिजर्वेशन, मतलब आप दोहरी चाल नहीं आपको दिखाई देती है? एक तरफ आपने पिछले दिनों 5 मार्च के रोस्टर के माध्यम से 13 पॉइंट रोस्टर लागू करके वैसे रिजर्वेशन की सीट बंद कर दी, एससी की सीट मिलेंगी नहीं उसमें, छोटे छोटे जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें सदियों तक सीट ही नहीं आएंगी। मतलब मैंने कहा ना कि रिजर्वेशन नहीं खत्म कर रहे, लेकिन सीट ही नहीं आएगी तो रिजर्वेशन अपने आप खत्म हो जाएगी भाई, इतनी बात तो हम भी जानते हैं। वो जो सेफ कार्ड एकदम, हाँ उसमें काफी कमी थी, लेकिन वो फिर भी धीरे धीरे वो ठीक है, जैसा भी था रिजर्वेशन की सीट तो निकलती थी ना, कम से कम कुछ तो भरा जाता था, लेकिन इसके माध्यम से तो बिल्कुल ही खत्म किया जा रहा है। मैं इसमें भी ये जो एससी का जो अभी सुप्रीम कोर्ट में चला गया आज ना भारत के टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार, मैं ये कहूंगी कि आपको क्रिमिनल इसमें जरूरत क्या है? अल्टरनेट है ना हमारे पास, एससी ए और बी कैटेगरी में बांटिए, मान लीजिए एक सीट है तो एससी एक हो जाए की है, अगर मान लीजिए उसमें कैंडिडेट एलिजिबल नहीं मिलता तो वो सीट एससी एक बी को जाए, वो सीट एससी में रहनी चाहिए ना। अगर मान लीजिए, मेरा सवाल भी है सुप्रीम कोर्ट से भी, और मतलब हमारे सामाजिक जो आज ये मानते हैं कि हमें सामाजिक न्याय के सवाल पर बात करनी है, और उनको उस तबके को भी प्रतिनिधित्व देना है जिन तबकों की आवाज या जिन तबकों को अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं, हम साथ में हैं, मैं तो खुद मान रही हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए,
ऐसी ए और बी का बंटवारा कर दीजिए। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने किया था, पंजाब में भी ऐसा प्रावधान है। हाँ तो इसमें ये तो सरकार पहले से इम्प्लीमेंट कर चुकी है, वो आप उसको लेके आइए ना। क्रीमी लेयर जैसे लागू होता है, मेरा अपना मानना है कि शायद रिजर्वेशन खत्म होने का एक प्रयास है। सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से है, तो उस पर सवाल इतनी जल्दी हम लोग नहीं उठा पाते। आप देखिए ना, अभी ऐसी एट्रोसिटी एक्ट का 2 अप्रैल को इसके ऊपर कितना विरोध हुआ, सरकारों का भी ध्यान इसकी तरफ गया। हमारे जो एमएलए एमपी जो सो कॉल्ड माननीय मंत्रियों के किसी भी तरह के कोई मुखालत नहीं कर रही, हमारे जितने भी एमएलए एमपी दलित वर्ग से आते हैं उनके ऊपर हम लोगों ने पूरा बहस की कि आप लोग इस पर अध्यादेश लेके आइए, या आप अपनी अपनी पार्टियों पर बात करिए, या फिर आप लोग रिजाइन कीजिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये एससी एट्रोसिटी एक्ट का मुद्दा आम आदमी से जुड़ा हुआ, उसी समाज से जुड़ा हुआ जिस समाज से आप आते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ना पे बैक टू सोसाइटी, तो हमने उनके ऊपर सवाल उठाया कि आप पे बैक टू सोसाइटी करिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ होने वाला बिल्कुल ऐसा कुछ होने वाला था भी नहीं। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि इतना सब होने के बावजूद भी अब कोर्ट में केस चल रहा है, अब फिर हियरिंग नेक्स्ट दी है, रोस्टर वाले मुद्दे पे नेक्स्ट हियरिंग दे दी। आप देखिए ना, एक तरफ रोस्टर वाले मुद्दे पे आप हियरिंग दिए जा रहे, डिसीजन नहीं आया, होल्ड ऑन होना चाहिए पोस्टें, लेकिन जैसे ही ये एससी की रिजर्वेशन की सीट खत्म हुई, 13 पर धड़ाधड़ अपॉइंटमेंट चल रहा है। मतलब जब तक कोर्ट हमारे पक्ष में अगर दे भी देगी डिसीजन, तब तक हम बहुत पीछे जा चुके होते होंगे। 65 साल है भाई, 65 तक एक पोस्ट रहती है, तो वैसे ही रिजर्वेशन फुलफिल नहीं किया था, बैकलॉग यूनिवर्सिटीज में दिया ही नहीं गया था। अगर अब दिया भी गया था थोड़ा बहुत रोस्टर के माध्यम से, 200 पॉइंट रोस्टर के माध्यम से, उसको आपने 13 पॉइंट रोस्टर पे लाके खड़ा कर दिया, और 13 पॉइंट रोस्टर पे लाके खड़ा करने के बाद एक तरफ तो आपने ये कर रहा, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमें तो दूसरे सबके को रिजर्वेशन देनी है। मतलब कैसा ढोंग रच रहे हैं, मतलब आप उस तबके को बड़ी हमदर्दी आप ले रहे हैं कि क्रिमिनल लागू कर दो। क्यों? क्योंकि आपस में भी भिड़ाने वाली बात है। हम क्योंकि मैं देखे ना, मैं तो खुद उसी डिप्राइड सेक्शन से आती हूँ, दलितों के अंदर का जो नीचे का पैदान, मैं उससे आती हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह चाल समझती हूँ। मैं जानती हूँ ये कि जानबूझ के किया जा रहा है। अरे आपको इतनी हमदर्दी है तो ए और बी लागू कर दीजिए ना, ताकि हमारी पोस्ट हमारे पास रहे ना। अगर मान लीजिए ए में नहीं मिलता तो वो बी को जाए, तो बी के जाने के बजाय हम क्यों चाहेंगे कि वो खत्म हो। बेसिकली एक एक उस तबके की हमदर्दी को बटोरने के लिए है, ताकि रिजर्वेशन के रोस्टर के सवाल पर उसको साइलेंट कर दिया जाए। कौशल जी, आपका मैं बहुत तहेदिल से धन्यवाद करता हूँ। जिस पैशन से आप बात कर रही हैं, तो लगता है कि आप में वो फायर है, वो जो जस्टिस की बात है, आपको लग रहा है कि जस्टिस नहीं मिल रहा। आप इस बात में काफी हद तक सही हैं। तो मैं सबसे प्रोग्राम का टाइम भी हो गया है, आज वैंकूवर की तरफ से आपका मैं फिर भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने आकर अपनी जर्नी है, जो आपकी स्टोरी थी वो शेयर की, और वो जो करंट रियलिटीज ऑफ इंडिया है, जैसे रिजर्वेशन पे अटैक किया जाता है, ये जो सेफ गार्ड है तो इन पे अटैक किया जा रहा है, ऐसे और भी कई मसले हैं। अनफॉर्चुनेटली टाइम हमारे पास कम था, तो पूरी उन विषयों पे भी बात नहीं कर सके। तो नेक्स्ट टाइम लेट्स होप कि हम आपके फिर दर्शन करेंगे और इन विषयों पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय भीम।